कर्मचारियों के ऊपर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन सदस्य मोर्चा खोलने की तैयारी में है। यूनियन सदस्यों का कहना है कि रोडवेज कर्मचारियों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन पीतल नगरी डिपो शाखा की आपात बैठक कटघर स्थित वर्कशॉप में बुलाई गई, जिसमें बताया गया कि पीतल नगरी डिपो ARM ने कर्मचारियों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। बिना वजह किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिसे यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन के पदाधिकारी किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय मंत्री रियाज अहमद ने सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, मीटिंग बुलाई है, वो सहायक क्षेत्र प्रबंधक पीतल नगरी के जो सहायक क्षेत्र प्रबंधक है वो हमारे चालकों परिचालकों का बहुत उत्पीड़न कर रहा है, उससे सभी कर्मचारी आज ज्यादा है, जिसमें हमने अपनी आज मीटिंग बुलाई है और हमारा आगे का कार्यक्रम जो है अपने ARM साहब को नोटिस देके सारी समस्याओं का हमें समाधान कराना है। यदि वार्ता के द्वारा समाधान नहीं होता है तो हम अपना प्रोग्राम आंदोलन करेंगे और ARM साहब के खिलाफ जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। इस अवसर पर राजवीर सिंह यादव, श्याम पाल, एहतेशाम हैदर, ब्रज किशोर, नरेश गुप्ता, महेंद्र सिंह, करण सिंह, धर्मेंद्र कुमार, निजामुद्दीन समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे।